गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इनको अच्छे से स्टडी करना ताकि आपके लिए ये लाभकारी सिद्ध हो सकें। तो बिना देर किए हम सीधे पॉइंट की तरफ आते हैं। एक सवाल दिया गया है, दी गई आकृति में यदि डी ई समांतर है बी सी के, यदि ए डी बराबर एक्स, डी वी बराबर एक्स माइनस दो, ए ई बराबर एक्स प्लस दो तथा ई सी बराबर एक्स माइनस वन, तब एक्स का मान हमको ज्ञात करना है। ए बी सी त्रिभुज दिया गया है जो कि डी ई दिया गया है, यहाँ पे डी ई समांतर है बी सी के। तो जब ये डी ई समांतर है बी सी के, तो जब भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में कोई रेखा अगर समांतर रेखा होती है, समांतर रेखा होती है, अब ये BC के समांतर DE है, तो ये DE जो है AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो यहाँ पे दिया गया है त्रिभुज त्रिभुज ABC में दिया गया है DE समांतर BC के, ये समांतर है, और दिया है आपके लिए AD बराबर X, डी वी बराबर एक्स माइनस दो, ए ई बराबर एक्स प्लस दो, ई सी बराबर एक्स माइनस वन। तो हमको एक्स बराबर ज्ञात करना है, तो बिना किसी प्रॉब्लम के हम इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये डी ई जो रेखा है वो बी सी के समांतर है, तो ए बी, ये डी ई जो है ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो इसलिए AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब यहाँ पे AD की वैल्यू कितनी है, x दी गई है, और DB की वैल्यू x माइनस दो दी गई है, और ए ई की वैल्यू एक्स प्लस दो दी गई है, और ई सी की वैल्यू एक्स माइनस वन दी गई है। ये थेल्स प्रमेय से, क्योंकि ये शर्त थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग बनती है बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग थेल्स प्रमेय से हमने इसको कर लिया, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। तो x की हम लोग x गुणा एक्स माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ हो जाएगी, इसकी इसके साथ हो जाएगी, x प्लस दो की गुणा x माइनस दो के साथ। तो x की x में गुणा होगी, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वन में होगी, x हो जाएगा, x की x में गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स की माइनस के टू में होगी, तो माइनस के टू एक्स, दो की गुणा प्लस के एक्स से करेंगे तो दो एक्स, और दो की गुणा माइनस के दो से करेंगे तो माइनस का चार हो जाएगा। अब उसको सबको इधर हम लोग ले आते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये माइनस का दो एक्स है, ये प्लस का दो एक्स है, तो ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का चार। इसे एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और माइनस का ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा इधर आकर के, और बराबर माइनस के चार। तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, कट गया, माइनस का एक्स बराबर माइनस के चार, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स बराबर चार। बहुत ही आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ये सवाल बच्चों हो चुका है, बहुत ही आसान है, किसी प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये थेल्स प्रमेय से हम लोग ये कंडीशन लगाते हैं, और आगे का क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए यदि DE समांतर है BC के। तो इस तरह की भी आकृति दी जाती है, तो आपको लिखना है हल में कि दिया है, यहाँ भी हमारा एक त्रिभुज लिया गया है ए बी सी, और DE इसमें भी हमारी समांतर रेखा है BC के। तो यहाँ पे हमको क्या दिखाया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में जो DE है, DE वो समांतर है BC के। इसलिए थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग हम इसको हल करना चाहेंगे। थेल्स प्रमेय से
तो थेल्स प्रमेय क्या होती है, ये डीई जो है एबी को और एसी को समान अनुपात में विभाजित करेगी, तो एडी बटे डीबी ये थेल्स प्रमेय हो जाएगी, एई बटे ईसी। अब यहाँ पे वैल्यू आप रख दीजिएगा, एडी की वैल्यू कितनी है 6 और डीबी की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे एई की वैल्यू कितनी है 9 और ईसी का वैल्यू है x। यहाँ पे देखिए आसानी से इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 2 बराबर 9 बटा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो कितना 2x बराबर 9 एकम 9, तो x बराबर 9 बटा 2, 9 का आधा 4.5, ये 4.5 आ गया आपका, इतना सेंटीमीटर इसको हम लोग लिख सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये भी आंसर आपके सामने आ गया है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप इजीली। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है कि दी गई आकृति में DE समांतर है BC के, तो x का मान फाइंड आउट कीजिए। कई बार वो इस तरह से क्वेश्चन दे देता है कि चित्र में ही, यहाँ पे जैसे AD बराबर क्वेश्चन में लिख देता है कि AD बराबर x प्लस 1 या AE बराबर x प्लस 3, DB बराबर x माइनस 1 और EC बराबर x, तो कई बार क्वेश्चन में लिख के दे देता है, तो यहाँ पे नहीं देता है, चित्र में नहीं देता है ये संकेत लिख करके। और अगर क्वेश्चन में लिख देगा तो यहाँ पे सीधा सीधा बोल देगा कि दी गई आकृति में डी समांतर है बीसी के, तो यहाँ पे एक्स का मान ज्ञात कीजिए, इस तरह से भी दे देता है, तो आपको किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपने सूत्र के हिसाब से चलना है। तो ये जो आकृति दी है इसको हल में हम लोग लेके आएंगे और लिख देंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, और क्या दिया गया है कि ये वाली शर्त दी गई है कि DE समांतर है BC के, तो ये समांतर है, तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा। तो आप चाहें तो इसके संकेत भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है AD बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 और DB बराबर आपको दिखाया गया है x माइनस 1 और AE बराबर दिया गया है x प्लस 3 और EC बराबर x। तो हमको x की ही वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू थेल्स प्रमेय का, थेल्स प्रमेय के हम लोग हिसाब से लगाएं इसको थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये जो ये रेखा है AB और AC ये समान अनुपात में विभाजित करेगी ये वाली रेखा, क्योंकि ये DE समांतर है BC के, तब ये AB को और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी, तो थेल्स प्रमेय क्या हो जाएगी, AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC। यहाँ पे वैल्यू को आप पुट आउट कर दीजिएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 1 बटे x माइनस 1 बराबर AE का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 3 और इसका वैल्यू x, क्योंकि यहाँ पे हमने AD की वैल्यू रख दी है और DB की वैल्यू रख दी है, यहाँ से AE की वैल्यू रख दी है और EC की वैल्यू रख दी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पे x प्लस 1 गुणा x इधर x माइनस 1 और x प्लस 3, तो इसके साथ में हम लोग गुणा करेंगे तो x की x में गुणा होगी x स्क्वायर, प्लस 1 में होगी तो x बराबर x की x में होगी x स्क्वायर, 3 में होगी प्लस की तो 3x, माइनस के 1 से x में गुणा करेंगे माइनस का x माइनस के 3, तो इस तरह से गुणा कर लेंगे हम लोग। अब x स्क्वायर प्लस x बराबर x स्क्वायर, यहाँ पे जोड़ घटाव कर लें, 3 में से घट रहा है तो प्लस का 2x बच जाएगा माइनस का 3, उस वाली वैल्यू को सब को इधर ले आए तो x स्क्वायर प्लस x और माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा इधर आकर के, माइनस का 2x हो जाएगा बराबर माइनस के 3 को उधर ही रहने दें, ये माइनस के ये प्लस के कट गए हैं, यहाँ पे माइनस के कितना x प्लस का बचा और माइनस का 2x बराबर माइनस का 3, तो माइनस के 2 में से प्लस का x घटेगा तो माइनस का x बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा x बराबर 3। तो बच्चों देखा कितनी आसानी से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके हम सवाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ।
तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये पांचवा क्वेश्चन है जो कि टाइप टू में हमने शामिल किया है। त्रिभुज, यहाँ चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है। यदि पीक्यू और अनुपात बीसी बराबर 1:3 है तो एपी और पीवी का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ पे जो पीक्यू है ये बीसी के समांतर रेखा है, तो इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। हल में लाइए इसको, सबसे पहले देखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में, क्या बोला गया है कि पी क्यू समांतर है बी सी के, पी क्यू समांतर है बी सी के, ठीक है। तो यहाँ पे दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू बराबर होगा इतने, त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, दोनों त्रिभुजों में ए बी ए पी क्यू और ए बी सी में ये एक समान त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, ए पी क्यू और ए बी सी समरूप त्रिभुज है। तो इसमें जो कोण ए है, देखिए ये कोण उभयनिष्ठ है, तो कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ दिया गया है दोनों में, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ है। तो कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू किस कोण के बराबर होगा? कोण ए बी सी के बराबर होगा, कोण ए बी सी के। कोण ए क्यू पी, कोण ए क्यू पी बराबर होगा कोण ए सी बी के, कोण ए सी बी के, ये संगत कोण है, संगत कोण है, ये संगत कोण बराबर होंगे, क्योंकि ए पी क्यू, क्योंकि क्योंकि ए पी क्यू त्रिभुज ए पी क्यू समरूप त्रिभुज है ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो जब समरूप त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, ए पी बटे ए बी, यहाँ छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा, इनको समान अनुपात में हम लोग डिवाइड किया है पी क्यू ने, तो क्या करेंगे ए बी, ए पी बटे ए बी बराबर होगा पी क्यू बटे बी सी। तो ये पी क्यू बटे बी सी का रेशियो आपको पता है, दिया गया है, तो ए पी बटे ए बी बराबर 1:3, 1:3 का अनुपात दिया गया है। तो अब ए बी में कौन कौन सी भुजाएं शामिल हैं? तो ए बी में, ए बी में हमारी ए पी प्लस पी वी दोनों शामिल हैं, तो ए पी प्लस पीवी बराबर 1:3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 ए पी बराबर ए पी प्लस पीवी, ए पी को इधर ले आइए, 3 ए पी माइनस का ए पी बराबर पी वी, तो यहाँ से कितना 2 ए पी बराबर पी वी। हमसे रेशियो किसका पूछा गया है? ए पी और पी वी का, तो इस पी वी को इधर ले आएंगे तो ए पी बटे पी वी बराबर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 और 2 को इधर ले आएंगे, तो ए पी रेशियो पी वी बराबर हो जाएगा 1:2। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन का हल हो गया, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करेंगे बच्चों ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने टाइप थर्ड में ये क्वेश्चन लिया है, इस टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको भी अच्छे से स्टडी कर लेना। चित्र में ए त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू के, तो
तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, BA बराबर 6.5 सेंटीमीटर, AP बराबर 2.8 सेंटीमीटर, और हो तो CA और AQ की लंबाई पूछी गई है, तो आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। दिया है त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज हैं, PQ ये दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और जब दो समरूप त्रिभुज दिए गए होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जो यहाँ दो त्रिभुज आपको दिखाए गए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज APQ, ये दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, अगर समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, तो AC बटे AP के होना चाहिए और CB बटे PQ के होना चाहिए, ये तीनों संगत भुजाएं बराबर होंगी, AB बटे AQ होना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो AC और AC की वैल्यू हम लोग यहां से रख देंगे, AC को हम लोग CA भी लिख सकते हैं, CA ये हमको फाइंड आउट करना है। AP की वैल्यू आप इसमें से सर्च करके रख सकते हैं, 2.8 है, बटे में CB, CB को हम लोग BC भी कह सकते हैं, तो कितना है 8 दिया गया है, और PQ, और PQ की वैल्यू को 4 दिया गया है। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे रख सकते हैं आप इसके लिए, और ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो CA बटे 2.4 बराबर 2, इसके नीचे 1 लिख के क्रॉस, तो CA बराबर 2.4 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। सीए की वैल्यू इतनी आ गई बच्चों, अब हम इसको और इसके साथ में ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा CB बटे PQ और AB बटे AQ, तो इसकी वैल्यू तो अभी हमने देखी थी कितनी थी, CB की BC की वैल्यू 2 है, PQ की वैल्यू 1 है, PQ की वैल्यू 4 है, सॉरी ना है, यहाँ CB की वैल्यू को हमने कितना 8, CB बराबर कितना है 8 है, 8 है, और PQ बराबर 4 है, AB 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 बराबर 6.5 है जो VA के रूप में लिखा गया है, और AQ हमको निकालना है, तो ये की निकाल सकते हैं हम लोग, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये 2 अपॉन 1 लिख लो, 6.5 बटे AQ, क्रॉस करेंगे 2, AQ बराबर 6.5, तो AQ बराबर 6.5 बटे 2, कितना हो जाएगा, AQ बराबर 2 × 6, 2 × 4, 2 × 5, 10, 3.25 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों, ये हमने तीन प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए शामिल किए हैं, उम्मीद करेंगे इनमें से एक क्वेश्चन आपको और परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेगा, और बच्चों इसको अच्छे से स्टडी कर लेना आप। इन्हीं दुआओं के साथ हम अपना आज का वीडियो का समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।